जयपुर से एक बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का प्रदर्शन यहां पर जारी है। बीजेपी सांसद मीणा ने कहा, मैं गणपति प्लाजा के एक लॉकर के बाहर धरने पर बैठा हूं और इसमें 500 करोड़ का काला धन रखा हुआ है। जब तक एसीबी या कोई जांच एजेंसी यहाँ नहीं आएगी, तब तक यहीं धरने पर बैठा रहूंगा। तो किरोड़ी लाल मीणा ने जांच की मांग की है और कहा है कि काला धन यहाँ पर रखा गया है, जिसकी जानकारी उन्हें है, और यहाँ पर किसी आयोग द्वारा इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए, जांच की जाए। अगर नहीं जांच होगी तो वो इस प्लाजा के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और जरा तस्वीरें भी अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैंक लॉकर के पास की तस्वीरें हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं गणपति प्लाजा के एक लॉकर के बाहर हूँ। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि लॉकर किसका है, किसी राजनीतिक शख्सियत का है या फिर किसी व्यवसायी का है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किरोड़ी लाल मीणा ने किया है कि इस लॉकर में 500 करोड़ का काला धन है। ऐसे में मीडिया का हुजूम यहाँ पर मौजूद है कि लॉकर खुलेगा तो उसमें से क्या काला धन निकलेगा। और मैं अभी यहीं धरना देकर बैठूंगा। एसीबी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को बुलाऊंगा और इनको खुलवाऊंगा, काला धन और सोना बरामद करवाऊंगा। जब तक काला धन और सोना खोल के नहीं निकालेंगे, तब तक मैं यहीं जमा रहूंगा। 500 करोड़ का ब्लैक मनी और 50 किलो सोना इस लॉकर से, और मैं अभी यहीं धरना देकर बैठूंगा। एसीबी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को बुलाऊंगा और इनको खुलवाऊंगा, काला धन और सोना बरामद करवाऊंगा। जब तक काला धन और सोना खोल के नहीं निकालेंगे, तब तक मैं यहीं जमा रहूंगा। मीणा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मीणा साहब, 1-2 करोड़ नहीं, 500 करोड़ के काले धन का दावा कर रहे हैं, किसका लॉकर है ये? ये प्राइवेट लॉकर्स हैं, जिनकी जानकारी न तो स्थानीय पुलिस को है, न वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, न आरबीआई को जानकारी दी है। ऐसे टोटल 1100 लॉकर्स हैं, जिसमें 50 लॉकर्स ऐसे हैं जो 10 साल से बंद हैं, खुले ही नहीं। 50 लॉकर ऐसे हैं जो खुल रहे हैं, ऑपरेशन में हैं, लेकिन उनमें काला धन लाया ले जाया जा रहा है। हमने एक अधिकारी का नाम बताया जो DOIT का था, जनरल मैनेजर DOIT जी, CP सिंह। तो हम उनको वेरीफाई किया गया तो CP सिंह का लॉकर मिला, जिसमें काला धन और सोना है। टोटल लॉकर्स को अगर खंगालेंगे तो करीब 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना इनसे निकलेगा। ये इलीगल है, सरकार के अधिकारियों का है, बड़े लोगों का है। हमने राजस्थान की पुलिस से मांग की है, सरकार से मांग की है कि इन सारे लॉकर्स को खोला जाए। जितने बड़े आरोप यहाँ पर किरोड़ी लाल साहब आप लगा रहे हैं, अब सवाल ये भी उठ रहा है, 500 करोड़ का धन, 50 करोड़ का सोना अगर निकलेगा, आप जिस जोश जज्बे के साथ यहाँ धरने पर बैठे थे कि जब तक जांच एजेंसियां आएंगी नहीं मैं हटूंगा नहीं, आपने धरना खत्म कर लिया है सुनने में आ रहा है? इसलिए किया है कि जो पुलिस थी लोकल, उसने आप ये हमको लिखित में दे दिया गया है, और उसको मैनेजर जो है उसको ऑपरेट करता है, उसको पाबंद कर दिया है कि जब तक सेंट्रल एजेंसी यहाँ आके देखे नहीं, तब तक इन लॉकर्स को खोला नहीं जाए बिना उनकी अनुमति के। तो चलिए, पुलिस ने लिखित में आश्वासन दिया है, क्या जांच होगी आगे? लेकिन सवाल पेचीदा इसलिए भी हो जा रहा है मीणा साहब, इतने करोड़ का काला धन हो और आप कह रहे हैं कि आरबीआई को भी इस बात की जानकारी नहीं है, कुछ और आप हमें बता पाएंगे कि कौन से बैंक के लॉकर्स हैं जयपुर में ये?
हमने आरबीआई के अधिकारी से पूछा तो उनका कहना ये, हमारी जानकारी में ये नहीं है, तो आरबीआई की गाइडलाइन का वॉयलेशन तो है ही, इनको वो देनी चाहिए थी सूचना, लेकिन यहाँ इतना पैसा है, इतने लॉकर हैं, तो सुरक्षा की कोई। सर ये बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है, देखिए दो सवाल जनता के मन में जरूर आएगा, एक चुनाव से पहले आपने इस बात का खुलासा किया, क्या कोई मकसद है, जानकारी आपके पास थी, इंतजार कर रहे थे किसी सही वक्त का, और दूसरी बड़ी बात, कई अधिकारी कई पॉलिटिकल शख्सियत इसमें शामिल हो सकते हैं, किन किन लोगों का ये काला धन हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये राजनीतिक या चुनाव की दृष्टि से मैंने नहीं किया, मैं 5 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे को पता लगा कि DOIT के जनरल मैनेजर CP सिंह का काला धन यहाँ पर है, और मैं वहाँ पर पहुँचा तो सही पाया गया कि CP सिंह का लॉकर भी यहाँ पर है जिसमें करोड़ रुपए और सोना बंद है, तो मेरी जानकारी सही निकली और उसकी जांच के लिए सेंट्रल एजेंसी को पुलिस कमिश्नर जयपुर पत्र लिख रहे हैं जो आज ही ED के पास पहुँच जाएगा। मीणा साहब, जितने बड़े स्तर पर अगर यहाँ आपके बातों में तथ्य सही साबित हुए, घोटाला हुआ है या हो रहा है, आप वहाँ से धरने पर से हट गए हैं, लोगों की उम्मीद जगी थी कि शायद आज कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि पूरे राजस्थान के होश उड़ जाएं, 500 करोड़ का काला धन एक लॉकर के अंदर या फिर कई लॉकर्स आप बता रहे हैं यहाँ पर है, लेकिन आप हट गए हैं, दोबारा हेरफेर यहाँ पर हो गया, क्योंकि शासन प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी काली कमाई को यहाँ पर रखा नहीं जाएगा। नहीं, मैं हटा नहीं, मैं डटा हुआ हूँ, मेरा अफसोस है, यहाँ पूरा जो गणपति प्लाजा है उसमें किसी को पता नहीं कि 1100 लॉकर हैं, पर चूंकि उसको सील कर दिया गया, मेरी उपस्थिति में सील कर दिया, पुलिस वहाँ पर लगा दी, तो मेरा धरना देना आगे बढ़ाना ठीक नहीं था। अब मैं कल ED से मिलूंगा, कमिश्नर का पत्र भी जब तक ED तक पहुँच जाएगा, और ED से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर इसको सर्च करें। सर आपकी सरकार केंद्र में भी है, ऐसे में ED के छापे जहां जहां पड़ते हैं BJP पर तो विशेष आरोप लगने लगता है, आपके पास इस बात का बेनिफिट भी था, कहीं ना कहीं ED के पास या दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज के पास क्या आपको नहीं जाना चाहिए था इस पूरे मसले की शिकायत को लेकर? नहीं, ED के लिए जरूरी है कि FIR दर्ज हो, बिना FIR के ED घुस नहीं सकती, पुलिस इसमें FIR दर्ज करके ED को सूचना देगी, तब ED इसमें घुसेगी। तो सर आपने FIR दर्ज करवाई आज? नहीं, हम नहीं कराएंगे, पुलिस कराएगी, और पुलिस की वो FIR मैं प्रमाणों को जो सील किया है वो एक पत्र कमिश्नर का ED के पास जाएगा, तब ED इसमें घुसेगी। देखिए दो सवाल है, पुलिस ने आश्वासन दिया है लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी ना रही हो, शासन प्रशासन को जानकारी ना रही हो, और अब मामला दर्ज करेंगे या नहीं कि मामला एस्केलेट होकर ED तक जाए, ये एक सवाल। अब दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है मीणा साहब कि अब जिस तरीके से आपको आश्वासन देकर वहां से हटा दिया गया है, अगर कोई गोलमाल हो जाता है, लॉकर खुले और काला धन ना निकले तो? नहीं, उसमें हमने लिखित में पत्र थानेदार जी को थमा दिया कि ये DOIT के घोटाले के इस अधिकारी के इसमें करोड़ों रुपए सोना हो है, आप इसका प्रकरण दर्ज करें, उन्होंने हमको रिसीप्ट दे दी है और पुलिस लगा दी है, अब उसके बाद भी पुलिस या प्रशासन या सरकार उनको गोलमोल कर दे तो उसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको कब से इस बात की जानकारी थी और कैसे आपको ये तथ्य हाथ लगे कि 500 करोड़ का सोना, 500 करोड़ का नगद और 50 करोड़ का सोना है यहाँ पर? ये एक अंदाजा है, पर आपकी जानकारी में ये होगा कि DOIT के एक अधिकारी की शासन सचिवालय में अलमेरा से 2,31,00,000 रुपए और 1 किलो सोना मिला था। अच्छा, तो ये वो छोटा अधिकारी था, ये बड़ा अधिकारी है जनरल मैनेजर जिसने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट में पैसा खाया है, और वो लॉकर यहाँ पर है, वहाँ हम पहुँच गए तो उसमें ये पैसा निकलना चाहिए, ऐसा मेरे को बिल्कुल। और अगर आप कह रहे हैं बहुत बड़े आरोप ये लगे हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब, और इन तथ्यों की अगर जांच होती है, 500 करोड़ का यहाँ पर काला धन, 50 करोड़ का सोना निकलता है, तो निश्चित तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर भी इस खबर पर बनी रहेगी, क्या सरकार की इसमें राजस्थान सरकार की भी मिलीभगत थी, तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपने वक्त निकाला अपने धरने के बीच से, हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया सांसद साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र ने मौके का जायजा लिया और जो लॉकर रूम है जो गणपति प्लाजा बताया जा रहा है वहां से क्या जानकारी उन्होंने दी, ये आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बड़ा आरोप लगाया कि स्पर्धा चौधरी के थ्रू पैसा यहां पर पहुंचा, तमाम नेताओं का पैसा यहां पर है। ईडी कार्रवाई भले ही कर रही है लेकिन एक जगह उन्होंने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये जगह है जहां पर अंदर काफी सारी तिजोरियां जो है वो मौजूद है और उन्हीं तिजोरियों के अंदर पैसा और सोना होने की बात डॉक्टर किरणलाल मीणा लगातार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो लॉकर्स हैं उसके अंदर काफी सारा पैसा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ ही पैसा है। इसके अलावा और पैसा बहुत कहीं दूसरी जगह भी मौजूद है लेकिन एक बड़ी राशि यहाँ पर है ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें सोना भी है, करीब 50 किलो सोना होने की बात डॉक्टर किरणलाल मीणा कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस संस्थान का नाम है, आप ये देखेंगे रॉयल सेफ्टी वॉलेट, इसके अंदर वो तमाम चीजें बताई गई हैं। और यहाँ देखिए डॉक्टर किरणलाल मीणा भी मौजूद है, अंदर आप देख सकते हैं काफी गहमा गहमी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आगे। और यहाँ डॉक्टर किरणलाल मीणा पहुंच गए, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। 150 करोड़ रुपए दिनेश खोटनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया था मुख्यमंत्री जी से कहकर। दिनेश खोटनिया मुख्यमंत्री जी का खास है और उनके पैसे की लेन देन दिनेश खोटनिया करता है मुख्यमंत्री जी के पैसे। उदयपुर से टिकट दिया जा रहा है दिनेश खोटनिया को, जिसको राज्यसभा में भेजा जा रहा था वो दिनेश खोटनिया, उसके ईडी घुस गई और वो स्मृता चौधरी का भी ईडी घुस गई, जो सरगना है जो आरएलपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष इस समय और कांग्रेस की पहले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रही है, उसको उसने बताया है तो बाबूलाल कटारा और चेयरमैन और सारे खोटनिया वगैरह सब इस पेपर लीक में लिप्त है। सर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी नाम अब इसके अंदर आ गया है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया निकला है पुलिस